देखिए अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और अभी सर्दी के फ्लावरिंग का टाइम हो गया है। सर्दी के फ्लावरिंग के पौधे हम लगा सकते हैं। देखिए ये मैंने कैलेंचो की कलमे लगाई हुई थी, यदि अभी नहीं लगाई है अभी लगा सकते हैं और ये बड़े आराम से लग जाती है। देखिए बड़े आराम से लग जाते हैं, ये मैंने लगाई हुई थी, ये इनमें लगाई हुई थी। अभी इसकी आज रूटिंग देखते हैं, हम रिजल्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं, फिर मैं इसको लगाने का तरीका दिखाऊंगा। देखिए देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हो रही है, ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग इसकी हो रही है। सब में यही हाल है, अभी मैंने निकाला था तो मैं सोचा इस पे वीडियो बनाता हूँ। देखिए इसकी रूटिंग देखिए, देखिए ये भी मैंने लगाए हुए थे, इनको भी एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए देखिए इसकी रूटिंग देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। देखिए तो इसको लगाने का तरीका क्या है, आइए उस तरीके के ऊपर सबसे पहले जान लेते हैं। ये मैंने कैसे लगाया, सबसे पहले तो देखिए यहां देखिए, हमने जो लगाते वक्त है उसमें क्या करना है, हमको मिट्टी लेनी है, एक हिस्सा मिट्टी लेनी है और एक हिस्सा हमको कोकोपीट लेना है। अभी ये नहीं लेना, देखिए एक हिस्सा कोकोपीट लेना, एक हिस्सा हमको गार्डन सोयल लेनी है, बराबर बराबर लेनी। खाली मिट्टी में हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, रूट रूट का बहुत वो होता है। ये एक सुकुलेंट फैमिली का पौधा है तो इसमें रूट रोट बहुत होता है। देखिए इसको लगाने का क्या है, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा कोकोपीट लेंगे, इसमें ड्रेनेज की बहुत होती है। देखिए खाली कोकोपीट में भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें क्या है कि केयर करने में बहुत हो रहती है। देखिए ये खाली मैंने कोकोपीट में लगाया हुआ है लेकिन इसमें पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि उसमें मिट्टी मिला लो एक हिस्सा। देखिए ये मैंने भर लिया इसके अंदर, उसके बाद क्या करना कि ये कैलेंचो की कलम मैंने काटी थी, इसको लगाने का तरीका मैं बताता हूं कैसे मैंने लगाया। देखिए सबसे पहले ये नीचे के पत्ते तोड़ लीजिए, नीचे के पत्ते आप तोड़ लेंगे तो यहां से रूटिंग यहीं से होता, ये मैंने दिखा ना। देखिए रूटिंग ये कहां से हो रहा है, देखिए देखिए रूटिंग यहां से भी रहा है, यहां से भी, यहां से भी, यहां नीचे रूटिंग होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने नीचे के पत्ते तोड़ लिए, ये कैलेंचो की कलम ले, उसके बाद क्या है, ये मैंने फंगीसाइड में इसको लगा दिया, फंगीसाइड लगा दिया, चित्रा फंगीसाइड, कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, सांप ले सकते हैं, बेवेस्टिन ले सकते हैं, ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं, कोप्रोक्सीक्लोराइड ले सकते हैं। मैं ये ट्राइकोडर्मा रखता हूँ, ये एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड है। देखिए उसके बाद जो ये मैंने मिक्सचर बना था, एक हिस्सा रेत एक हिस्सा कोकोपीट, देखिए इसमें गार्डन सोल ले ले, रेत ले ले, बेस्ट है। देखिए ये मैंने लगा दिया है, लगाने के बाद इसको चाहूं तो अभी पानी दे दूं लेकिन यदि एक दिन बाद दूं तो बेस्ट है। देखिए फिर भी पानी थोड़ा देकर मैं छोड़ देता हूं। देखिए ये मैंने कर दिया और इसको अभी क्या है, इसको रख देना है, इसको पार्सल सेट में रख दीजिए शुरू में दो चार दिन, और यदि पूरी धूप में भी रख देंगे तो ये बड़े आराम से चल जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पार्सल सेट में रख दीजिए, बिल्कुल छाया में मत रखिए अदरवाइज ये गल जाएगा। अब इसको देखते हैं, देखिए जो मैंने अभी ये रूटिंग इसकी हुई है, मैंने बताया ये लगाया था मैंने 15 दिन पहले लगाया था। देखिए इसको भी देख लेते कितना अच्छा इसका रूटिंग हो रहा है। देखिए इसकी रूटिंग देखिए, देखिए इसकी रूटिंग देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हो रही है, ये सफेद सफेद, ये और सफेद ताजी निकल रही है, इसमें भी देखिए अभी थोड़ी सी निकली है। तो इसको लगाने का, अब इसको क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे मिट्टी के अंदर, पॉट के अंदर, हम पॉट के अंदर लगाने का तरीका ये हम जान लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए एक हिस्सा मैंने बताया कोकोपीट ले लेना है, एक हिस्सा कोकोपीट जरूर लेना है, यदि कोकोपीट नहीं मिलता है तो धान के भूसी के जो धान होते हैं, चावल होते हैं, उसके छिलके होते हैं, उस छिलकों को ले लेना, उसकी भूसी को, उसके छिलकों को, जो चावल निकालते हैं हम चक्की से उसके छिलके, वो भी एक
उस पोरस उसका काम करते हैं, मतलब मिट्टी में पानी नहीं रुकने देते। एक ही शाम को मिट्टी ले लेनी है गार्डन सोल अपनी नॉर्मल गार्डन सोल, और इसमें अभी खाद मिलाना। देखिए आप कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं, लीफ मोल्ड ले सकते हैं, मतलब पत्तों की खाद। देखिए गोबर की खाद है, और गोबर की खाद कोई भी हो, सड़ी हुई, कम से एक से डेढ़ साल दो साल सड़ी हुई, काली हो जाए, जैसे काली हो रही, एक एक हिस्सा बराबर मिला के इसमें मिला देंगे। देखिए ये पहले ही मैंने कर रखा था, इसको और कर देता हूँ। ये हमारा हो गया मिक्सर तैयार। अब इसको हम लगाएंगे जो भी, सबसे पहले मैं तो सजेस्ट करूंगा छोटे उसमें लगाइए, फिर उसके बाद बड़े पोट में लगा दीजिए, क्योंकि इसमें रूटिंग की रूट की बहुत समस्या होती है। देखिए ऐसे लगाया और ये बस देखिए ये लगा कर रख दिया। देखिए और मैं दिक्कत हूँ, देखिए इसके अंदर भरा, जो ये जिसकी रूटिंग हो गई उसको दिखा रहा हूं, उसमें खाद मिलानी है। अदरवाइज स्टार्टिंग में जो हम कलम लगाएंगे उसके अंदर खाद बिल्कुल नहीं मिलानी है, उसके अंदर तो खाली गार्डन सॉइल और कोकोपीट या ओनली कोकोपीट वो रहेगी, क्योंकि इसमें क्या कि एक बार रूट ये रोट शुरू हो गया, मतलब गलना शुरू हो जाता तो ये ऊपर तक गलता चला जाता है। इसके लिए क्या है कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है पानी का। इसमें कलंचों में कोई भी सकुलेंट फैमिली के पौधे हैं, जेड प्लांट हुआ ये हुआ, इसमें पानी का विशेष ध्यान रखना हमको। और कलंचों की सर्दियों में ब्लूमिंग बहुत ही अच्छी होती है, इसका फ्लावर जब भी आता है देखेंगे कि कम से कम एक से डेढ़ महीना रुका रहता है, डेढ़ महीना दो दो महीने तक रुका रहता है, मतलब इतना लॉन्ग इसका लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर होता है। और इसके कलंचू के फ्लावर हमेशा गुच्छों में आते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैं उसकी क्लिप उसमें लगा दूंगा जो लास्ट ईयर के मेरे। देखिए उसके बाद लगाने के बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे दीजिए, और पानी का ध्यान रखिए, पानी जो भी देंगे हम इसमें अभी देंगे, मैंने इसमें फंगीसाइड थोड़ा सा मिला दिया था 2-3 ग्राम 1 लीटर में, तो उसे क्या कि जो भी है ये फंगस के अटैक में नहीं आएगा। फंगस के अटैक में बहुत जल्दी आता है फंगस, जो गलना हमारा पौधा शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं गलना शुरू होगा, गलना नहीं हो फंगस के अटैक में आ गया इसलिए गलना शुरू हुआ। देखिए ये कलंचू की कलमे मैंने पहले लगा रखी थी, कितनी सुंदर इसकी रूटिंग और कितना सुंदर इसकी वो हो रही है। देखिए हम इसको डायरेक्ट बड़े पोट में भी अभी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें पानी का ध्यान रखना है। देखिए ये बड़े पोट के अंदर लगा रखे, और इसमें क्या होता है इसकी रूट ज्यादा गहरी नहीं जाती है, 6 इंच के पोट में यदि ये रहेगा तो सबसे बेस्ट चलता है। चौड़ाई इसकी हो सकती है ज्यादा, लेकिन 6 इसकी डेप्थ 6 इंच का पोट हो, और पानी का विशेष ध्यान रखना है। और इसमें फ्लावरिंग अभी नवंबर में स्टार्टिंग हो जाएगी, मतलब उससे पहले इसकी ग्रोथ कर देनी है, उससे पहले इसमें एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 का स्प्रे करते रहे, और इसमें थोड़ा डीएपी दे दे, उससे क्या ग्रोथ हो जाएगी, फिर इसमें फ्लावरिंग का टाइम आएगा, उस वक्त हमको नाइट्रोजन को हटा देना है और पोटासियम और फॉस्फोरस को रख देना है, जैसे एनपीके 0-34 या एनपीके 0050 का हम स्प्रे करेंगे और मिट्टी में देंगे, और डीएपी देंगे और पोटास थोड़ा इसमें देंगे, तो ये बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करेगा। और महीने में एक बार एप्सम साल्ट मतलब मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे करते रहे, उससे क्या है कि ये क्लोरोफिल की उसको अपनी कमी को पूरा करते रहेगा, मतलब काफी इसकी बढ़ जाती है क्लोरोफिल लेने की, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करने से इसमें काफी बढ़ जाती है। और हमारा जो एक सीविड एक्सट्रैक्ट होता है उसका भी स्प्रे कर दे, और थोड़ा बहुत मिट्टी में भी दे दे
ml के आसपास है, उसके मिट्टी में भी देते हैं, वो सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।